हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अन एकेडमी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएस हिंदी। और एक बार फिर से हमारे एम लक्ष्मीकांत भारत की राज्य व्यवस्था के इस एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आप लोग मुझे एक बार बताइए कि आवाज़ मेरी आपको आ रही है। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दें कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। परफेक्ट। चलिए, तो आज आपका एम लक्ष्मीकांत का ये लास्ट सेशन है। मैं आपको विदेश नीति, जो भारत की विदेश नीति से जुड़ा हुआ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन कोर्स हिस्ट्री, इतिहास। जी हाँ, सभी लोग नोट कर लें, कल से मैं इतिहास या हिस्ट्री को फाउंडेशन कोर्स 2023-24 के लिए, 24-25 के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो बच्चे अटेंड करना चाहें वो 12 बजे उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं स्टार्ट करूँगा 11th की प्राचीन भारत के इतिहास, RS शर्मा, राम शरण शर्मा की पुस्तक के साथ। तो हम लोग 11th का प्राचीन भारत पढ़ेंगे, फिर मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा पढ़ेंगे, फिर 11th का जो है 12th का विपिन चंद्रा का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसी के साथ एक और चीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों की डिमांड पर, वो है इकोनॉमिक्स। काफ़ी सारे बच्चे 11th का इकोनॉमिक्स का डिमांड कर रहे थे। कल से ही स्टार्ट हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कक्षा 11 की NCERT, 9th और 10th, कक्षा 9 और 10 की NCERT की जो क्लासेज है वो मैं करवा चुका हूँ। और कल से आपका इकोनॉमिक्स क्लास 11th, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो बुक है इकोनॉमिक्स के, भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो कल से वो भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका इतिहास भी मैं कराऊंगा और साथ साथ इकोनॉमिक्स भी कराऊंगा, और जब ये दोनों हो जाएंगे तो फिर पॉलिटी भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसी बात पर सभी लोग लाइक कर दें सेशन को। यदि आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो स्टार्ट करें हम लोग सेशन को, इससे पहले आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अन अकेडमी इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप लोग जानते हैं कि इस साल भी यूपीएससी 2022 के रिजल्ट जो आए हैं उसमें अन अकेडमी के काफ़ी सारे लर्नर्स सेलेक्ट हुए हैं। टॉप 10 हो, टॉप 100 हो, या ओवरऑल देखें तो हर 3 में से एक लर्नर अन अकेडमी से जुड़ा हुआ रहा है। Air 12, Air 9, Air 4, Air 10, ये सारे अन अकेडमी के जो है लर्नर रहे हैं। और आप भी चाहें तो इनमें से एक बन सकते हैं। अनअकैडमी आपको बढ़िया ऑफर दे रहा है, आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आपको 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। जी हाँ, यूपीएससी महा ऑफर अनअकैडमी लाया है। सीके लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए और अनअकैडमी की आधी फीस में ही आप अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 50% तक के डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बढ़िया ऑफर है। CKLIV रेफरल कोड अप्लाई न करना ना भूलें, इस रेफरल कोड को आज ही यूज़ करिए। और जो नया बैच आरंभ, एक साल का बैच शुरू हो रहा है, और मिशन 2026 तीन साल का फाउंडेशन IAS बैच शुरू हो रहा है। जो बच्चे एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वो एक साल के लिए ले सकते हैं। आरंभ बैच में ज्वाइन करके आप पूरा एक साल में तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास 3 साल हैं वो UPSC मिशन 2026 जो है वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और 50% तक का डिस्काउंट आपको अभी मिल रहा है। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम इसके साथ आपको मिलेगा। तैयारी जीत की आरंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑप्शनल कार्निवल है, ये सब कुछ अनअकैडमी अभी आपको दे रहा है। और इसके लिए आपको CKLIVE रेफरल कोड यूज़ करना है, 50% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी फीस होगी, जो भी आपके कोर्स की फीस होगी, उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप इसमें भी थोड़ा सा और रियायत चाहते हैं तो EMI में पे कर सकते हैं लोन लेकर। अनअकैडमी पर आप लोन की एप्लीकेशन को फिल करिए, ये कोड आप अप्लाई करें और आप सारा पैसा किश्तों में जमा कर सकते हैं बिना किसी ब्याज के, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति के बारे में। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि भारत की विदेश नीति या किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति आखिर होती क्या है। विदेश नीति आप लोग IR पढ़ते होंगे, उसमें आपने पढ़ा होगा। और राजनीति विज्ञान में विदेश नीति का अपना एक महत्व है, आप सभी जानते हैं। पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो नीति विदेशी राष्ट्रों के साथ, अन्य देशों के साथ अपनाता है,
उसे उस देश की विदेश नीति कहा जाता है। भारत की भी अपनी विदेश नीति है जो कई सारी चीज़ों पर निर्भर है, कई सारी चीज़ों से प्रभावित है। तो वही चीज़ डिस्कस करेंगे जिसे कोई भी देश हो, चाहे भारत ही क्यों ना हो, वो अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए अल्टीमेटली मकसद होता है, उद्देश्य होता है अपने देश का विकास करना, अपने देश के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए। जब कोई, जैसे आप भी दूसरों के साथ जब संबंध बनाते हैं या कोई संबंध रखते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि हमारा इससे क्या फ़ायदा होगा या इससे हमारा क्या लाभ होगा। तो कोई भी देश, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वैश्वीकरण का ज़माना है, तो हर देश चाहता है कि उसकी जो स्थिति है वो दुनिया में मजबूत रहे, ताकि अन्य देशों से होने वाले लाभ का वो उपयोग कर पाए। तो ये विदेश नीति भारत की भी है, अन्य राज्यों के साथ भारत के संबंधों को ये रेगुलेट करती है, नियमन करती है। और कई कारक मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताए थे, किसी भी देश की विदेश नीति, चाहे भारत की क्यों ना हो, कई सारे फैक्टर्स पर, कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सेल है, चिड़चिड़ा है, तो वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई कारण रहे होंगे, ज़रूर उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई होगी जिसकी वजह से उसका विश्वास उठ गया, लोगों के ऊपर से, भलाई के ऊपर से, ज़माने के ऊपर से, कई सारे कारकों पर ये निर्भर करता है। कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने अपने जो नेचर को अगर आप देखें तो वो उसके इतिहास से, उसके पास्ट से, उसके भूत से प्रभावित रहता है। वैसे ही भारत की विदेश नीति हमारे भूगोल, हमारे इतिहास, हमारे परंपरा, सामाजिक बनावट, हमारे राजनीतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनता की राय, नेतृत्व, इन सब से जो है प्रभावित होती है। जैसे हम लोग उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, हमें गुलाम बनाकर हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया है, कई सालों तक भारत जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है, इसीलिए हम लोग उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। कोई देश जब किसी देश को गुलाम बनाता है, उसके आर्थिक संसाधनों का दोहन करता है, तो हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कारक। अब हम लोग आगे पढ़ रहे थे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। बेसिकली जब आप सिविल सेवा में जाते हैं तो आपको कम से कम भारत की विदेश नीति के बारे में इतना तो पता होना ही चाहिए कि हमारी विदेश नीति के क्या सिद्धांत हैं, हमारी विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं, या हमारी विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएँ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं भारत की विदेश नीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन सिद्धांतों के ऊपर हमारे देश की विदेश नीति टिकी हुई है, या किन किन सिद्धांतों से हमारी विदेश नीति का निर्धारण हुआ है या संचालन होता है। सबसे पहला सिद्धांत उसमें है विश्व शांति को बढ़ावा देना। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में अहिंसा को कितना महत्व दिया जाता है। हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्म माना जाता है, हमारे यहाँ हिंसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे इतिहास को उठाकर भी हम देख लें तो हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी देश को परेशान नहीं किया, सताया नहीं, गुलाम नहीं बनाया। हमारी संस्कृति में भी आपने सुना, हम देव शांति, अंतरिक्ष शांति की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। आपने श्लोक भी सुना होगा हमारी संस्कृति को बयां करता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, मतलब हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुखी रहे, सिर्फ भारत का व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी सुखी रहें, वो सभी निरोगी रहें, किसी को कोई बीमारी नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है, किसी को कोई दुख प्राप्त ना हो। ये हमारा कल्चर रहा, ये हमारी संस्कृति है। तो पहला जो आप देखोगे ना भारतीय विदेश नीति का सिद्धांत, वो है विश्व शांति को बढ़ावा देना। हमारा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। जैसे आपने सुना होगा एक संयुक्त राष्ट्र नाम की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र का काम है दुनिया में शांति को बनाए रखना, दुनिया में कहीं युद्ध ना हो, दुनिया में हिंसा ना हो, ये कोशिश संयुक्त राष्ट्र करता है। वैसा का वैसा उद्देश्य भारतीय विदेश नीति का भी है, हम भी शांति की बात करते हैं, और अगर कहीं पर कोई लड़ाई हो रही हो तो हम उसे खत्म करने के, समाप्त करने के प्रयास भी करते हैं। इवन आप भारत के संविधान को देखो, हमारे संविधान में जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है वो जानते हैं, इस संविधान का जो भाग चार है जिसे राज्य के नीति के निदेशक तत्व कहते हैं, इसमें एक अनुच्छेद है, और अनुच्छेद है 51वां अनुच्छेद भारत के संविधान का। ये राज्य को निर्देश देता है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे।
ऐसा कोई काम सरकार नहीं करेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो या जिससे मानवता को खतरा हो। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत का संविधान भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक और न्यायपूर्ण संबंध बनाने की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, संधियों का पालन करने का, उनके प्रति आदर रखने की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय निपटारों में मध्यस्थता करने की बात करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि भारत में अभी यूक्रेन और रूस का एक ताज़ा उदाहरण आप सब जानते हैं। भाई, दुनिया का इतना बड़ा देश रशिया, रूस एक महाशक्ति, और उसने एक छोटे देश यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी समय से युद्ध चल भी रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया ने कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी देखा कि भारत जो है इनके युद्ध को समाप्त करने में भूमिका निभाएगा, मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा और इनके बीच में शांति स्थापित करने में सहयोग करेगा। ये हमारी इमेज है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक प्रकार से अचीवमेंट है कि जब बात शांति की आती है तो पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि हम शांति प्रिय देश रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहला सिद्धांत है कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देते हैं। इस देश के, राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शांति आवश्यक है। आपने देखा होगा कि जब आपके जीवन में कोई समस्या हो, जब आपके जीवन में क्लेश हो, स्ट्रेस हो, क्या आप अच्छे से काम कर पाते हैं? मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कोई दुख हो, यदि आपके मन में कोई चिंता हो, कोई तनाव हो, क्या ऐसे में आप अपना काम ठीक से कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। यदि हमारे मन में चिंता होगी, तनाव होगा, दुख होगा, तो हमारा ध्यान काम की तरफ पूरी तरह नहीं लगेगा। कहते हैं कि सबसे पहली ज़रूरत होती है एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना। यदि मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो इंसान कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। यही पर आप देखो, शांति का भी ऐसा ही है। अगर कोई देश युद्ध लड़ रहा है, यदि किसी देश में अंदर ही ग्रह युद्ध हो रहा है, आपसी कलह हो रही है, वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। आप अफगानिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, आप सूडान का उदाहरण ले लीजिए, आप पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, आपके सामने है। पाकिस्तान में आपको पता है कि वहाँ की सेना, वहाँ की सरकार और इनमें आपस में संघर्ष चलता रहता है। अफगानिस्तान कई सालों से जल रहा है। अफगानिस्तान में जो हुआ वो आप सब जानते हैं। सूडान में भी आप जानते हैं कि दक्षिण और उत्तर सूडान में भी युद्ध चलता रहता है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में युद्ध चलता रहता है। जहाँ भी दुनिया में आप देखेंगे कि युद्ध होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, शांति नहीं होगी, वहाँ पर विकास होना मुश्किल होगा। तो आर्थिक विकास का संबंध है सीधा सीधा शांति के साथ। तो यदि आप शांति को बढ़ावा देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। यदि आपके घर में सब कुछ शांत है, सब कुछ अच्छे से मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं, तो आप देखेंगे घर के सभी सदस्य प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, नए नए अचीवमेंट्स हासिल करेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने कहा था कि शांति हमारे लिए एक उत्साहजनक आशा ही नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक आपात आवश्यकता है, मतलब ये हमारी ज़रूरत है। शांति कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, शांति आपकी ज़रूरत है, आपके लिए एक प्रकार से आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना आप कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरत है, ये हमें चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है भारतीय विदेश नीति का, और वो है गैर उपनिवेशवाद। ठीक है, जिस कहते ना कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। यदि आपके ऊपर अत्याचार हुआ है तो उस अत्याचार को आप ही समझते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर अत्याचार होगा तो आप उसमें समानुभूति रखेंगे, आप उस दर्द को पहचानते हैं। जिसने जीवन में कभी गरीबी नहीं देखी ना, वो गरीबी को सिर्फ समझने की कोशिश कर सकता है। हमारे ऊपर कई सालों तक राज किया गया, हमें गुलाम बनाकर रखा गया, अत्याचार किया गया, हमारा शोषण किया गया, हमारे संसाधनों का दोहन किया गया, और इसीलिए हम लोग हमेशा उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़े रहे हैं। कहीं भी दुनिया में अगर कोई देश किसी को गुलाम बनाता है या उपनिवेशवाद की स्थापना करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। ये हमारी विदेश नीति का दूसरा सिद्धांत है। जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट में हम लोग बिलीव करते हैं। आप देख सकते हो कि भारतीय विदेश नीति का अगला सिद्धांत वो है जो हम लोग गहराई से समझते हैं। हम गैर उपनिवेशवाद की बात करते हैं, हमने साम्राज्यवाद का विरोध किया,
हमने औपनिवेशिकवाद का विरोध किया। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो पहला विश्व युद्ध उपनिवेशों की लड़ाई को लेकर ही हुआ था मुख्य रूप से, और हमने यही कहा हमेशा कि किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे देश के नागरिकों के ऊपर राज करे या उनके ऊपर अत्याचार करे, उनका शोषण करे। तो हम उपनिवेशवाद का विरोध करते रहे हैं। हमारा विचार है कि औपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद तथा साम्राज्यवादी ताकतें जो हैं उनके द्वारा कमज़ोर राष्ट्र के शोषण को ये बढ़ावा देता है। कोई अगर किसी को गुलाम बनाता है ना, तो वो सिर्फ उसका शोषण ही करता है। कोई भी देश किसी को गुलाम बनाकर उसका विकास करने की नहीं सोचता है, वो उसमें अपना फ़ायदा देखता है। जैसे आपको पता है कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए इस देश को कितना तहस नहस किया। इस देश में कभी इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये देश जो अपने आप में एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था था, सब तहस नहस कर दिया। और जाते जाते 1947 में ये हालत हो गई कि भारत न तो कृषि में आगे था, न अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में, सब में पिछड़ा था। हमारा व्यापार खराब था, विदेशी व्यापार न के बराबर था, हमारे यहाँ उत्पादन नहीं था, हमारे यहाँ विनिर्माण क्षेत्र काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं था। जो मैं आपको कल इकोनॉमी का सेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको इकोनॉमी के सेशन में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमने एक जर्जर मकान से इतना बड़ा महल आज खड़ा किया है। 1947 को भारत की अर्थव्यवस्था की हालत वैसी ही थी जैसे सदियों पुराने किसी मकान की, किसी इमारत की हालत कैसी होती, जर्जर, कि आप उसको एक लात मारो तो वो भरभरा के गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में अंग्रेज हमारी अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे। आज जो इस देश का आपको विदेशी व्यापार दिखाई देता है, आज आपको इस देश का विकास दिखाई देता है, ये सब कुछ हमारी मेहनत से हमने इतने सालों में किया है। तो ये आपको दिखेगा कि हमने हमेशा ये माना है कि कमज़ोर देशों के शोषण को बढ़ावा देने का सिर्फ माध्यम है उपनिवेशवाद। ये कभी किसी का भला नहीं कर सकता और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करता है, क्योंकि जो गुलाम है वो संघर्ष करेगा, उसके खिलाफ लड़ेगा और इससे शांति भी भंग होगी। भारत ने उपनिवेशवाद के सभी रूपों के परिशोधन की वकालत की है। आपको बता दूं कि उपनिवेशवाद आजकल कई रूपों में पाया जाता है। ज़रूरी नहीं, पहले तो ऐसा होता था कि कोई देश किसी पर आक्रमण करे, उस देश को जीत ले, गुलाम बना ले, ये होता था प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद, मतलब सीधे तौर पर किसी को गुलाम बना लेना। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा ना भाई, वैसे वैसे उपनिवेशवाद के कई तरीके सामने आ रहे हैं। आज उपनिवेशवाद सिर्फ किसी को सीधा सीधा गुलाम बनाने तक सीमित नहीं है। आज उपनिवेशवाद में किसी देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाना भी शामिल है, किसी देश से ज़बरदस्ती अपनी बातें मनवाना भी शामिल है। जैसे चाइना क्या कर रहा है, ज़रा चीन को देखिए। चीन सीधे सीधे ब्रिटेन की तरह किसी देश पर आक्रमण करके उस पर कब्ज़ा नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना एक प्रकार से उपनिवेशवाद को ही आगे बढ़ा रहा है कि वो किसी देश को शुरुआत में किसी गरीब देश को पकड़ेगा, फिर उसको कर्ज देगा, विकास के नाम पर खूब सारा पैसा देगा, उसके ऊपर मनमाना ब्याज वसूल करेगा, और आखिरकार जब वो देश पैसा नहीं देता तो चाइना उस देश के संसाधनों पर अधिकार कर लेता है, उस देश की नीतियों को प्रभावित करता है। ठीक है, आपने देखा होगा श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह का नाम सुना होगा, आपने बांग्लादेश में चिटगांव बंदरगाह का नाम सुना होगा, आपने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का नाम सुना होगा। ऐसे कई सारे छोटे छोटे देशों को पंगु बनाकर और उन देशों के ऊपर अपनी मनमर्जी थोप रहा है चाइना, ये एक प्रकार का नव उपनिवेशवाद है। तो वर्तमान में कई सारे जो है उपनिवेशवाद के रूप आ गए और भारत इन सभी रूपों की समाप्ति की बात करता है। इंडोनेशिया, मलाया मतलब मलेशिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया, कई देश जो गुलाम थे और उन्होंने अपने अपने स्वतंत्रता संघर्ष चलाए भारत की तरफ, हमने सभी का समर्थन किया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गरीबी से लड़कर अपने माता पिता की मजबूरी को देखते हुए खूब मेहनत करके अगर UPSC क्लियर करता है, IAS बनता है, IPS बनता है, तो उसके बाद जितने भी ऐसे बच्चे उसके सामने आएंगे जो उसकी तरह मजबूर हैं, तो वो उनकी सहायता ज़रूर करेगा, वो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था ज़रूर करेगा, उनको कम से कम मार्गदर्शन देगा, उनको गाइड करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी तरह जो बच्चे आगे आना चाहते हैं वो आगे आएं। तो हमें जैसे गुलाम बनाया गया ना, ऐसे दुनिया के जिन अन्य देशों को गुलाम बनाया गया था, हमने उन सब के आज़ादी के आंदोलन का समर्थन किया। तो ये एक और सिद्धांत हो गया गैर उपनिवेशवाद। अगला है गैर नस्लवाद। आपको पता है नस्लवाद दुनिया में आज भी है।
एक नस्ल के लोग दूसरे नस्ल के लोगों से अलग अलग कारणों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, या उनको भेदभाव के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं, अलग मानते हैं। ये मान लेना कि हमारा रंग ये है, इनका रंग ऐसा है, तो ये हमसे नीचे कैटेगरी के हो गए, तो हम नस्लवाद के भी खिलाफ हैं। जैसे भारत में अंग्रेज जब आए ना, तो अंग्रेज गोरे थे, शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, वैज्ञानिक बातें करते थे, तो उनमें नस्ल भेद था। वो भारत के लोगों की नस्ल को कमज़ोर मानते थे और अपनी नस्ल के लोगों को श्रेष्ठ मानते थे। हिटलर में भी यही मानसिकता थी। हिटलर जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, प्योर ब्लड का मानता था, और दूसरे लोगों को वो हेय दृष्टि से देखता था, और उसका मन करे तो वो उनको सबको मरवा दे, ये उसकी मानसिकता थी। खास करके आपको पता होगा कि कितने यहूदियों को हिटलर ने मौत के घाट उतरवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिटलर को यहूदी अपने से नीची नस्ल के लगते थे और उसको लगता था कि इनको जीने का अधिकार ही नहीं है। तो भारत नस्लवाद के भी खिलाफ रहा है। नस्लवाद के सभी रूपों का विरोध हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे यहाँ जैसे नस्लवाद, लोगों के बीच नस्ल के आधार पर जो विभेद होता है, वो औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की तरह श्वेतों द्वारा अश्वेतों का शोषण, सामाजिक असमानता और विश्व शांति को बढ़ाने में ये सभी बाधा डालते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि यदि कहीं नस्ल भेद है, कहीं पर अगर कोई गोरे लोग जो है अश्वेत लोगों के साथ गलत या भेदभाव व्यवहार कर रहे हैं, तो ये विश्व की शांति के खिलाफ है, ये उसको बाधा डालता है। तो ये गैर नस्लवाद भी भारतीय विदेश नीति का एक और सिद्धांत हो गया। अगला सिद्धांत आप सबने पढ़ा होगा, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि जब दो लोग किसी चीज़ को लेकर लड़ रहे हों और दोनों ही पक्ष गलत हो, ऐसे में किसी का साथ नहीं देना गुट निरपेक्षता कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत आज़ाद हुआ, नया नया विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय दुनिया में सिर्फ दो ताकतें जो हैं वो बची, बाकी सारे जो हैं वो सब धाराशाही हो गए। एक समय ब्रिटेन, जिसका राज दुनिया के आधी आबादी पर था, कहा जाता है कि जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, वो ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पंगु हो गया, कमज़ोर हो गया, और भी फ्रांस, इटली, जर्मनी, रू जैसे कई सारे देश जो है वो कमज़ोर हुए। ऐसे में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो अमेरिका और सोवियत संघ दो बड़ी ताकतें दुनिया में बची हुई थी। समस्या ये हुई कि दोनों दोनों ताकतों का, दोनों देशों की अलग अलग विचारधारा थी। अमेरिका जहाँ पूंजीवाद को समर्थन देता था, वो पूंजीवादी विचारधारा से जुड़ा था, वहीं सोवियत संघ समाजवादी, साम्यवादी विचारधारा से जुड़ा था, जो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का पक्ष लेती थी। ऐसे में जब दोनों अलग अलग थे, तो उनका मानना था कि जितने ज़्यादा देश उनके पक्ष में आएंगे, जितने ज़्यादा देश उनके साथ रहेंगे, वो उतना मजबूत बनेंगे और उनकी विचारधारा उतनी मजबूत बनेगी। दोनों देशों ने दुनिया के अलग अलग देशों को अपने साथ करने की, अपने पक्ष में करने की कोशिश कर दी, और यहीं से गुटबाजी शुरू हुई। दो गुट बन गए। एक गुट बन गया अमेरिका का, पूंजीवादी विचारधारा का, जिसमें पश्चिमी ताकतें, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश चले गए। दूसरी तरफ सोवियत संघ का एक गुट बन गया, और उस गुट में जो है आमतौर पर पूर्वी यूरोप और कई सारे देश उसमें भी चले गए, जो समाजवाद को मानते थे, साम्यवाद को मानते थे। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, गहमा गहमी बढ़ने लगी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होने लगी। ऐसा लग रहा था कि एक तीसरा विश्व युद्ध शायद दुनिया में हो सकता है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। तो जब युद्ध होता है ना, तब युद्ध चल रहा होता है, लेकिन जब युद्ध नहीं हो रहा होता है और युद्ध होने की संभावना हो, तो वो मामला और ज़्यादा गंभीर होता है। ठीक है, कहते हैं ना, मौत से ज़्यादा मौत का डर जो है वो खराब होता है। यदि किसी व्यक्ति को ये डर हो जाए, या किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि वो किसी भी समय मर सकता है, तो वो एक बार नहीं, कई बार मरेगा। अगर नहीं पता हो तो सिर्फ एक बार मरेगा, लेकिन अगर पता चल जाए तो हर पल मरेगा, हर पल डर डर के जिएगा कि पता नहीं कब कौन सा पल मेरे जीवन का आखिरी पल हो, वो सबसे खराब होता है। तो ऐसा समय दुनिया ने देखा जब युद्ध नहीं हो रहा था, पर युद्ध होने का डर लगातार बना हुआ था। लग रहा था कि अब युद्ध होगा, अब होगा, अब होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा था।
इस समय को शीत युद्ध के नाम से, कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति होती है जहां मानसिक तौर पर युद्ध लड़ा जा रहा है और किसी भी समय युद्ध छिड़ने की संभावना बनी रहती है। तो ये दो गुट जो है, ये दो गुट बने, और ये दो गुट बने, इसमें एक अमेरिका का, एक सोवियत संघ का, और ये सभी देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत भी आज़ाद हुआ। भारत कोई छोटा देश तो नहीं था, आपको पता है कि पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। तो सब चाहते थे कि भारत उनके गुट में आ जाए, अमेरिका भी चाहता था, सोवियत संघ भी चाहता था, लेकिन भारत ने दोनों गुटों की तरफ जाना पसंद नहीं किया और हमने कहा कि अगर हम किसी गुट में जाते हैं तो हम दुनिया को युद्ध की तरफ धकेलेंगे, मतलब हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हम तो शांति प्रिय देश हैं, हम तो दुनिया में शांति लाना चाहते हैं ना, तो हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे क्योंकि हम दुनिया में शांति को कायम रखने के पक्ष में हैं। इसीलिए भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हम पूंजीवादी विचारधारा के साथ नहीं जाएंगे। भारत ने समाजवाद को भी ठुकरा दिया, सोवियत संघ को भी, कि हम आपके साथ भी नहीं जाएंगे, हम तो अलग रहेंगे, हम निरपेक्ष रहेंगे, दोनों गुटों में से कहीं भी नहीं जाएंगे। और ये विश्व में एक नई चीज़ थी। ऐसे समय में जब या तो देश किसी न किसी गुट में शामिल हो चुके थे या कन्फ्यूज थे कि कहाँ जाएँ, किस गुट में जाएँ, ठीक है, ऐसे में भारत ने एक नई चीज़ शामिल कर दी कि हम किसी गुट में नहीं जाएंगे, अलग रहेंगे। और भारत की इस नीति को ज़बरदस्त समर्थन मिला कई देशों का। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया और भारत के नेतृत्व में कई सारे देश इस शीत युद्ध से अलग हो गए और उन्होंने दोनों पक्ष में से किसी के भी पक्ष में जाना स्वीकार नहीं किया। आगे समझ में? तो ये भारत जब आज़ाद हुआ उस समय दुनिया आपको पता है दो भागों में सैद्धांतिक तौर पर बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी और दूसरी तरफ यूएसएसआर या सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी भाग था। ऐसी परिस्थितियों में हमने इनकार कर दिया, मना कर दिया कि हम किसी भी गुट में पक्ष में नहीं जाएंगे और हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। इसमें एक और चीज़ आपके समझने वाली बात है, गुट निरपेक्षता का मतलब वस्तु स्थिति से भागना नहीं है कि हम तो भाग रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है तुमसे। ये निष्क्रियता की नीति नहीं है भाई, एक बात दिमाग में क्लियर कर लो, गुट निरपेक्षता का मतलब भागना नहीं है, निष्क्रियता नहीं है, गुट निरपेक्षता सक्रिय है, मतलब हम जाएंगे नहीं, हम आपके बीच शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ये सक्रियता की नीति है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर दो लोग लड़ रहे हैं आपस में और आप वहाँ से गुजरते हैं और आपने दोनों को लड़ते हुए देखा, आप ना तो पहले को जानते हो ना दूसरे को, आपने कहा लड़ने दो हमें क्या लेना देना, चलो अपना काम करो, इसको कहते हैं निष्क्रियता की गुट निरपेक्ष नीति, कि आप किसी गुट में नहीं गए और आप वहाँ से चले गए। सक्रियता की गुट निरपेक्ष नीति क्या होती है कि आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ पर रुकें और आप उन दोनों को समझाने की कोशिश करें, आप उनकी लड़ाई को खत्म करने की, विवाद को खत्म करने की कोशिश करें। ये क्या है? ये सक्रियता की नीति है। भारत ने सक्रियता की नीति को अपनाया कि हम दोनों गुटों को समझाएंगे, हम शीत युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आगे समझ में? ये जो है ये हमारी गुट निरपेक्षता की नीति थी। आगे जाकर बहुत सारे देशों ने इसको अपनाया। गुट निरपेक्षता में क्या क्या आता है ये मैं आपको बता दूं कि गुट निरपेक्ष या जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं, आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, इसे नेम आंदोलन या नेम मूवमेंट के नाम से जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब किसी भी गुट में नहीं जाने का आंदोलन। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था ना, भारत ने कोशिश की कि भारत दोनों ही पक्षों को समझाएगा, दोनों के बीच शांति स्थापित करने की अपनी भूमिका निभाएगा। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है भारत किसी भी समूह में शामिल देश या किसी भी देश के साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा। हमने तय किया कि हम किसी भी देश के साथ में सैन्य समझौता या सहयोग नहीं करेंगे, लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये भारतीय विदेश नीति की एक स्वतंत्र दिशा होगी, ठीक है, हमें दोनों को नहीं चाहिए, हमें कोई बीच का रास्ता निकालना है। भारत सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने का प्रयास करेगा। इस नीति की अगली विशेषता थी कि हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये थोड़ा सा मामला पुराना हो गया है, शीत युद्ध खत्म हो गया,
अब कई लोग ये कहते हैं कि भाई 1991 में, आपको पता है 1991 में सोवियत संघ का यूएसएसआर का विघटन हो गया, पतन हो गया। कई लोग कहते हैं कि क्या गुटनिरपेक्ष आंदोलन अभी भी प्रासंगिक होना चाहिए? आप शीत युद्ध के खिलाफ खड़े हुए थे, आपने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, पर जब शीत युद्ध खत्म हो गया, जब गुट खत्म हो गए दुनिया में, दो ध्रुवीय विश्व अब एक ध्रुवीय बन गया, बहुध्रुवीय बन गया, उसके बाद क्या अभी भी गुटनिरपेक्षता की जरूरत है? ये क्वेश्चन मेंस में भी आपके काम का है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुटनिरपेक्षता 2.0 के बारे में। अब भाई वक्त नया, परिस्थितियाँ नहीं तो किरदार नया, अब नए तरीके के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जरूरत है। वर्तमान में जिस तरीके से देश जो है आज भी आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं लड़ ही रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं दुनिया में शांति को खतरा बना हुआ है, आतंकवाद जैसी कई सारी चुनौतियां हैं, ऐसे में आज भी पर्यावरण जैसे मसले हैं, गुट निरपेक्षता की नीति आज भी ज़रूरी है। पर अब नया होगा, अब इसको हम लोग अपडेट करेंगे, हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये अगला सिद्धांत है पंचशील, आप सभी ने सुना होगा। ये बात है 1954 की, जब भारत आज़ाद हुआ ना, तो हम आज़ाद होने के बाद चाहते थे कि हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, खासकर पड़ोसियों के साथ। पड़ोसी में हमारा एक बड़ा पड़ोसी आपको पता है चीन के रूप में, जो काफ़ी बड़ा है हमसे क्षेत्रफल में भी। तो चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हमारे देश ने 1954 में चाइना की सरकार के साथ एक समझौता किया कि भाई हम आपस में अच्छे से रह सकें तो कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। जब आप चाहते हैं कि शांति के साथ आप रह रहे हैं, आपके पास आपके साथ मान लीजिए कोई रूममेट रह रहा है आपके साथ में, आप कई सारे ऐसे आप में से लोग होंगे जो बाहर रह रहे हैं घर से, और आपको अपना रूम किसी रूममेट के साथ शेयर करना होता होगा, तो कई बार आपके भी विवाद हो जाता होगा कि उसने कोई सामान नीचे गिरा दिया, वो उठाया ही नहीं, वो आपको उठाना पड़ा। या मान लीजिए कि उसके कोई दोस्त आपके रूम में आ गए, वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पढ़ने नहीं दे रहे हैं, या आपको सोना है, वो लाइट बंद नहीं कर रहा है, वो लाइट जो है ऑन रख के कुछ काम कर रहा है। ऐसे छोटे मोटे मसले आपस में हो जाते हैं। तो जब कोई देश पड़ोसी होते हैं ना, तो पड़ोसियों के साथ आपसी मसले होते रहते हैं। इसीलिए भारत ने चाइना के साथ शांति की स्थापना के लिए एक समझौते को स्वीकार किया। इसमें 5 बातें थी, और इन 5 बातों को पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। ये अलग बात है कि चीन ने इसका उल्लंघन किया, उसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा, उसने हमारे साथ गद्दारी की, और इस समझौते का उल्लंघन करते हुए 1962 में उसने हमारे ही ऊपर आक्रमण कर दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध आपको पता होगा, जिसमें भारत की हार हुई और एक तरफा चाइना ने युद्ध विराम की घोषणा की। कहीं ना कहीं कई लोग मानते हैं कि चीन पर भरोसा करना गलत था, क्योंकि हम चीन पर भरोसा करके बैठ गए, हमने कभी युद्ध के बारे में सोचा नहीं, हमने तैयारी नहीं की। वहीं चीन जो है वो युद्ध की तैयारी करता रहा, और एक समय ऐसा है जब उसने भारत की इन कमजोरियों का फायदा भी उठाया। तो ये 1954 की बात है, पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस तरीके का आचरण होना चाहिए, एक मतलब स्टैंडर्ड मानदंड कि कैसा होना चाहिए, आइडियल आदर्श रूप में ऐसे 5 सिद्धांत ये लागू करता है। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना के चाउ एन लाई जो हैं, जो राष्ट्र प्रमुख थे, उनके बीच में ये समझौता हुआ था जो तिब्बत को लेकर हुआ था, कि भारत जो है, चूँकि चीन जो है वो तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है, अपना ही एक अंग मानता है, और तिब्बत जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहा है, तो ऐसे में भारत ने कहा कि तिब्बत जो है वो चीन का आंतरिक मामला है, और इसीलिए वो इस मामले में चीन के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। तो तिब्बत और चीन के संबंध में भारत चीन संधि में ये 5 समझौते हुए थे, जिसे पंचशील कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा 5 के 5, ये 5 समझौते क्या हैं, और ये 5 समझौते भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा भी रहे हैं। पहला, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान, कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, कि भारत ये कोशिश करेगा कि वो चाइना के अखंडता के खिलाफ कोई काम नहीं करे, मतलब ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे चीन की
अखंडता को, एकता को नुकसान हो, चीन के टुकड़े हो या चीन का विभाजन हो, ऐसी ही कोशिश चीन भी करेगा। चीन भारत की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा और भारत के विभाजन या भारत के टुकड़े या भारत के किसी भी तरीके के इस तरीके की चीज़ों के खिलाफ काम नहीं करेगा। प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा, संप्रभुता का सम्मान करेगा, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करेगा, अनाक्रमण, दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। यहीं पर मैं आपसे कह रहा था कि चीन ने इसका खुला उल्लंघन किया। हमने सोचा कि चूंकि बात हो गई है कि ना तो वो हम पर अटैक करेंगे ना हम उन पर करेंगे, इसलिए हम तो चुपचाप बैठ गए, हम शांति से बैठ गए, अपना काम करने लगे। लेकिन चीन नहीं माना, चीन ने अनाक्रमण की नीति को तोड़ के और उसने जो है आक्रमण किया। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, दोनों देश एक दूसरे के इंटरनल मैटर में नहीं बोलेंगे। आपको अपने देश में जैसा रहना है वैसा बनाइए, जो नीति अपनाना है अपनाइए। आंतरिक मामलों में दखल देने से किसी भी देश की संप्रभुता का हनन होता है। हर देश जो संप्रभु है, सोवरेन है, उसको ये पूरा अधिकार है कि वो अपने सारे निर्णय स्वयं ले। तो हम किसी के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, ठीक है। समानता और परस्पर लाभ के लिए काम करेंगे, एक दूसरे को फायदा हो ऐसा काम करेंगे, एक दूसरे को लाभ हो ऐसी नीतियाँ अपनाएंगे और फिर आखिर में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाएंगे। मतलब दोनों क्या करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ शांति प्रिय तरीके से पूर्ण तरीके से रहेंगे, मतलब लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं और एक दूसरे के सह अस्तित्व का सम्मान करेंगे। भाई ये था पंचशील। पर आपको पता है कि चीन ने इसका बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया, हमने उसके ऊपर भरोसा किया, ये हमारी गलती थी। हमने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए, हिंदी चीनी भाई भाई कि मतलब हिंद और चीन के निवासी भाई भाई हैं और आपस में भाई भाई में कैसी जो है विवाद, कैसा झगड़ा, कैसी लड़ाई। तो ये सारी चीज़ें पंचशील में आती। पांचों समझ में आ गए, जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको क्लियर हुआ। भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्लियर हुआ कि पंचशील समझौता जो है वो क्या था और पंचशील समझौते में कौन कौन सी बातें थी। पांच बातें थी, वो पांच बातें कौन सी थी, जल्दी बोलो क्लियर हुआ। चलो तो ये पंचशील समझौता हो गया। पंचशील काफ़ी लोकप्रिय हुआ, अच्छी बात है ना, सबको अच्छी लगती है। तो पंचशील की भी लोकप्रियता बढ़ी, कई राष्ट्र जैसे म्यांमार, भूतपूर्व युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, इन्होंने इसको अपनाया। तो भारत की इमेज काफ़ी अच्छी हुई दुनिया में। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दुनिया को भारत ने दी, शांति से जुड़ी हुई, अहिंसा से जुड़ी हुई, और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया दुनिया को और इससे हमारी जो इमेज है ना वो अच्छी भी बनी दुनिया में भारत को। चाहे हम लोग उतने विकसित नहीं थे, हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, लेकिन आज भी देखो आप, भारत की इमेज दुनिया में अच्छी मानी जाती है। पंचशील, गुटनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कल्पना और प्रयोगों में, ये सब भारत की महान देन है। तो ये आप लिख सकते हैं, भारत की देन दुनिया को विश्व शांति के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय नीति के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, ये हमारी देन है। फिर अगला है एफ्रो एशियाई झुकाव। भारत का झुकाव अफ्रीका और एशिया के उन देशों की तरफ खास तौर पर रहा है जो पिछड़े रहे हैं, जो गुलामी का, उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं। तो भारत हमेशा इन छोटे छोटे कमज़ोर देशों के पक्ष में खड़ा रहा है और भारत ने इन कमज़ोर देशों की आवाज़ हमेशा उठाई है, ठीक है। तो यद्यपि भारत की विदेश नीति में विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात, कोई दुश्मन नहीं है हमारा, ठीक है। आपने देखा होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कोई घोषित शत्रु देश है भारत का, तो कोई भी ऐसा देश नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं। यहाँ तक हमने किसी भी देश को अपना शत्रु देश घोषित नहीं किया है, तो दुश्मन तो हमारा कोई है ही नहीं। तो फिर भी सबसे अच्छा संबंध है, लेकिन फिर भी एफ्रो एशियाई देशों के प्रति एक विशेष झुकाव रहा है। यहाँ मतलब एफ्रो एशियाई से मतलब है अफ्रीका और एशिया के देशों से, हमने अफ्रीका और एशिया के देशों के प्रति विशेष झुकाव रखा है और हम अफ्रीका और एशिया के देशों के साथ में अच्छे संबंध बनाने के पक्ष में रहे हैं। इसका उद्देश्य है इनके बीच एकता को बढ़ावा देना और अंतर्राज्यीय संस्थाओं में आवाज़ उठाकर उनको प्रभावित करके इनके हितों को सुरक्षित करना। दरअसल ये वो देश हैं जो दुनिया में पिछड़े देश माने जाते हैं, तीसरी दुनिया के देश माने जाते हैं,
अल्पविकसित देश माने जाते हैं तो ये कमज़ोर देश हैं, और कमज़ोरों की बात कौन सुनता है। आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास जाके वो अपनी फरियाद लेके जाएगा, तो पुलिस कई बार ऐसे लोगों की फरियाद नहीं सुनती जो गरीब हैं, या जिनके पास में रिश्वत देने के पैसे नहीं हैं, या जो ऊपर में पहुंच नहीं रखते, फेक फाक नहीं रखते, किसी बड़े नेता से अधिकारी से जिनका संबंध नहीं है। आमतौर पर ऐसे लोगों की बात भी नहीं सुनी जाती। मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं या सारे नेता ऐसे होते हैं, लेकिन ये बात आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत हमेशा से रही है। जिन लोगों के पास में संसाधन है, पैसा है, जिन लोगों के पास पावर है, या जिनके परिवार में, रिश्तेदारों में जो वेल कनेक्टेड हैं, जिनके रिश्तेदार मित्र किसी अच्छे बड़े पद पर, नेता, मंत्री, सरकार, कुछ भी हैं, ऐसे लोगों की बातें हमारे यहाँ जल्दी सुन ली जाती है। तो कमज़ोर जैसे अमेरिका है, चीन है, रूस है, ब्रिटेन है, इन देशों को ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी बातें दुनिया सुनती है और इनकी बातों का प्रभाव भी पड़ता है, और कई बार ये इसी चक्कर में अपने हितों को पूरा कर लेते हैं और दूसरे के हितों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये दूसरे देशों पर दबाव बना के अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो देश हैं ना, वो कई बार इनकी गलत नीतियों का शिकार होते हैं, और वो कर क्या सकते हैं। बड़े बड़े संस्थाओं पर भी इनका प्रभाव, आप देखो, विश्व बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हो, या UNO हो, सारे बड़े बड़े जगहों पर इन देशों का कब्जा है। तो छोटे देशों की बात तो सुनते नहीं ना कोई। तो ऐसे में भारत क्या करता है, भारत अफ्रीका के, एशिया के इन छोटे छोटे देशों की आवाज़ बनता है, इनके हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इनकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक और सिद्धांत है। अफ्रीका एशिया के देशों के प्रति हमारा विशेष झुकाव रहा है, भारत एशिया के पिछड़े देशों के विकास का पक्षधर रहा है, और अफ्रीका के पिछड़े देशों के विकास के लिए भी भारत ने कई प्रयास किए हैं और इनकी आवाज़ उठाई। इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग करता रहा है कि भाई इनको भी सहायता दो, इनका भी विकास होना चाहिए। 1947 में भारत ने नई दिल्ली में पहला एशियाई सम्मेलन आयोजित किया। 1949 में भारत ने इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के विषय पर एशियाई देशों को एकत्रित किया, और बांडुंग जो कि इंडोनेशिया में, 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। यहीं से आगे आप देखोगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आगे बढ़ा और कई सारे देश उसमें शामिल हुए। तो ये भारत की भूमिका है, हमारी विदेश नीति का योगदान भी बोल सकते हो। फिर राष्ट्रमंडल से संबंध, इंडिया ने आज़ादी के बाद भी, चूँकि हम संप्रभु थे, सोवरेन थे, फिर भी राष्ट्रमंडल के साथ, कॉमनवेल्थ के साथ अपना संबंध बनाए रखा। भारत उस गुट से जिसे कॉमनवेल्थ ग्रुप या राष्ट्रमंडल गुट कहते हैं, उससे अलग नहीं हुआ उस समूह से। आज भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत तो एक संप्रभु देश है, तो क्या भारत की संप्रभुता पर राष्ट्रमंडल की, कॉमनवेल्थ की सदस्यता का, UNO की सदस्यता का कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उन सारी बातों को मानना पड़ता है जो यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता हो या UNO की, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हो, इससे हमारे सोवरेनिटी पर, संप्रभुता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमारे खुद के इच्छा पर निर्भर है। अगर हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता रखें तो ही हम पर इसके निर्णय बाध्यकारी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो हम जब चाहें इसकी सदस्यता छोड़ सकते हैं, हम UNO की सदस्यता छोड़ सकते हैं, कौन रोक रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रमंडल के साथ जो संबंध है, हमारे UNO के साथ जो संबंध है, उससे हमारे संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात आप समझिएगा। भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा कर दी थी 1949 में ही, और ब्रिटिश ताज को, ब्रिटेन के क्राउन को राष्ट्रमंडल का प्रमुख के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसके बावजूद भी कई लोग जो कहते हैं कि आपकी सदस्यता आपकी संप्रभुता को प्रभावित करती है, तो ऐसा नहीं है। संविधानोत्तर घोषणा के बाद भी भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार से प्रभावित इसने नहीं किया है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे स्वेच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रमंडल एक स्वैच्छिक संगठन है, आपकी इच्छा है तो संगठन में रहो, नहीं है तो मत रहो। तो जब चाहे भारत इसकी सदस्यता को छोड़ सकता है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के हिसाब से चल सकता है।
इसने हमारे गणतांत्रिक चरित्र को भी प्रभावित नहीं किया है भाई। हमने कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हेड के रूप में क्राउन को एक्सेप्ट किया है, तो क्या हमारे गणतंत्र को कोई प्रभाव पड़ा है? जल्दी बताओ। इससे हमारे गणतंत्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि हमारे देश का प्रमुख आज भी राष्ट्रपति है, हमारे देश के प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और वो आज भी निर्वाचित होते हैं। हमारे यहाँ पर ब्रिटेन की तरह राजतंत्र या वंशानुगत शासन नहीं चलता है, तो हमारा आज भी गणतांत्रिक चरित्र वैसा ही बना हुआ है क्योंकि हम ताज के प्रति न तो वफादार हैं, न उत्तरदायी हैं और न ही किसी भी प्रकार से ताज के निर्णय से चलते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रिटेन के ताज ने क्या निर्णय लिए। आज़ादी के पहले भारत का शासन ब्रिटेन के ताज के नाम पर ही चलाया जाता था, अब ऐसा नहीं है, तो गणतंत्र को कोई नुकसान नहीं होगा। हम व्यावहारिक कारणों से राष्ट्रमंडल के सदस्य बने और आज भी बने हुए हैं। अगला सिद्धांत जो हमारी विदेश नीति का है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ को सहायता और सहयोग देना। आप सभी जानते हैं कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर एक यूएनओ नाम की संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ आया। दुनिया के बहुत सारे देशों ने आपस में मिल के इस बात पर एक राय जताई कि दूसरे विश्व युद्ध जैसा कोई हादसा दुनिया में नहीं होना चाहिए। जिस गलती की वजह से, चाहे किसी की भी गलती हो, पर दूसरे विश्व युद्ध ने जो मौत का तांडव दिखाया, जो हमारे यहाँ पर हानि हुई, मानवता को जो सबसे बड़ी हानि हुई, करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों लोग जो है वो अनाथ हो गए, बच्चे, शहर के शहर तबाह हो गए, राष्ट्रों की, देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, महंगाई चरम पर चली गई, लोगों के खाने के लाले पड़ गए, तो फिर ये तय किया गया कि दुनिया में दूसरी बार कोई ऐसा युद्ध ना हो, ऐसा कोई घटना ना हो, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि पहले विश्व युद्ध के बाद भी ऐसे ही कस्में खाई गई थी, पहले विश्व युद्ध के बाद भी यही सोचा गया था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और राष्ट्र संघ नाम की, लीग ऑफ नेशंस नाम की एक संस्था बनाई, वो फेल हो गई, वो बड़े बड़े देशों के हाथों की कठपुतली बन गई और दूसरा विश्व युद्ध होने से वो रोक नहीं पाए। उसको ख़त्म करके संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की संस्था बनाई जिसका मुख्य काम था दुनिया में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। भारत भी इसका सदस्य बना। भारत न सिर्फ सदस्य बना बल्कि भारत और इसके विचार तो एक जैसे थे। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए यूएनओ को सहयोग किया है। इसके कई सारे अभियानों में हमने सैनिक भेजे हैं, हमारे हजारों सैनिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाने के चक्कर में शहीद हुए हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कई सारे शांति अभियानों में भारत ने अपने सैनिक खोए। तो हमने 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली, तब से लेकर आज तक हम इस संगठन का सम्मान करते हैं, इसके अभियानों में सहयोग करते हैं, इसकी गतिविधियों व कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, हमने इसके उद्देश्यों के, सिद्धांतों के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। हमने कहा है कि यूएनओ जो है ना, उसमें हमारी पूरी आस्था है, जो आप चाहोगे, जो आप करोगे, हम उसमें आपके साथ हैं। तो यूएनओ की भूमिका में जो है, यूएनओ में भारत की भूमिका के बारे में कुछ बता दूं कि हमने बहुत कुछ किया है, क्या क्या किया है, कई उपलब्धियां हैं। इसके माध्यम से भारत ने अपने लक्ष्य प्राप्ति करने की कोशिश की। हम उपनिवेशवाद के खिलाफ थे, हमने यूएनओ के माध्यम से इसको लागू करने की कोशिश की। हम साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, हमने ये भी यूएनओ के माध्यम से किया। हम नव उपनिवेशवाद के खिलाफ थे, नव साम्राज्यवाद के भी खिलाफ थे, तो यूएनओ के माध्यम से हमने हमारी ये नीतियाँ लागू की। इसके साथ ही विजया लक्ष्मी पंडित का नाम आपने सुना होगा, जो 1953 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की अध्यक्ष बनने वाली चुनी गई पहली भारतीय महिला। तो हमारा कद इतना बड़ा हुआ कि हमने अपने किसी व्यक्ति को यूएनओ के आम सभा के जनरल असेंबली के अध्यक्ष पद तक पहुंचाया। भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है, आपको पता है, अभी भी है। हम स्थायी सदस्य बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि स्थायी हम बन नहीं पाए, अस्थायी सदस्य हम लोग रहे, हालांकि स्थायी सदस्यता की भी कोशिश हमने की है। दुनिया में सिर्फ 5 देश हैं जिन्हें P5 कहा जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनकर कुंडली जमा कर बैठे हैं। कुंडली जमा कर बैठे हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो न तो अपने अधिकार को छोड़ रहे हैं और न किसी और देश को वो अधिकार लेने दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ 5 ही देश हैं
जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उस सदस्यता को लेने के हकदार हैं, कई सारे देश हैं। अब तो दुनिया बहुध्रुवी हो गई, अब विश्व में भारत, जापान, जर्मनी, इटली, कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी भूमिका पहले से काफ़ी बढ़ गई है, इनको भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ये योग्य हैं। ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, कई देश हैं ऐसे, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये पांच देश, इन्होंने कब्जा करके रखा उसके ऊपर। ये नहीं चाहते कि दुनिया का कोई और देश उनके बराबर आए, लेकिन भारत कोशिश कर रहा है। हालांकि ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि सुरक्षा परिषद की जो है, सुरक्षा परिषद में सुधार ना हो, उसकी संरचना को ना बदला जाए, तब तक ये संभव नहीं है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सुरक्षा का जो परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो क्या भारत डिजर्व करता है? क्या भारत के सदस्यता के पक्ष में आपके पास कुछ तर्क हैं? बिल्कुल हैं। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? सोचिए, भारत पक्का और प्रबल दावेदार है। दुनिया में वर्तमान में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? हमारे देश की। मतलब हमारा देश दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलेगी? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? वो भी भारत है। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्रवाद, लोकतंत्र की बात करता है। दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, अगर तुम आर्थिक स्थिति देखो तो दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला या वृद्धि करने वाली व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हमारी। दुनिया में सबसे बड़ा बाजार अगर कहीं है, भारत के पास। दुनिया का सबसे बड़ा मध्यम वर्ग हमारे पास। चलो ये तो हो गई दुनिया में पीपीपी के आधार पर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ओवरऑल पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था की बात होगी। चलो सेना की बात करते हैं। दुनिया में जितने बड़े बड़े देश हैं उनकी जो सेना है, उतनी ही सेना भारत के पास भी है। एक मजबूत सेना के साथ भारत दुनिया में की शांति और सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। हमारे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, हमारे पास मिसाइलें हैं, हमारे पास टैंक हैं, हमारे पास पनडुब्बियाँ हैं, सब कुछ है हमारे पास जो होना चाहिए एक बड़े सैन्य देश के पास। बहुत बड़ी सेना है, लाखों सैनिक हमारे पास। इसके अलावा बात सिर्फ शक्ति की नहीं है, बात जिम्मेदारी की भी है। भारत सिर्फ वो देश नहीं है कि जिसके पास खूब सारी सेना है और वो किसी भी देश को परेशान करता रहता है। भारत एक जिम्मेदार देश भी है। इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी कभी किसी पर आक्रमण नहीं करता, कभी किसी को परेशान नहीं करता, सताता नहीं है। यहाँ तक कि नाभिकीय नीति घोषित की हुई है, परमाणु हथियार है हमारे देश के पास, लेकिन आगे रह के किसी देश के ऊपर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमने घोषित किया है। इतना जिम्मेदार देश आपको कहाँ मिलेगा? फिर चलो ये हो गई बात सेना की। इसके साथ संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को, अगर संयुक्त राष्ट्र का चार्टर देखें और भारत की विदेश नीति देखें तो एक जैसा है। हम भी अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अहिंसा, निशस्त्रीकरण जैसी चीज़ों की बात करते हैं, वो भी करते हैं। दुनिया में जितने भी शांति अभियान यूएनओ ने चलाए हैं, सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे मारे गए, सबसे ज़्यादा योगदान हमने दिया है। यूएनओ में आर्थिक रूप से भी भारत सहयोग करता है। अब बताओ मुझे, अभी भी दिक्कत है आपको? जैसे ये अभय कुमार ने बताया कि सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारा है। चलो संविधान की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हमारे पास। हम मानवता की बात करते हैं, हम जो है संप्रदायवाद के खिलाफ बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमारे देश का इतिहास इतना प्राचीन रहा है, हजारों वर्ष पुराना समृद्ध इतिहास है, समृद्ध संस्कृति है, कल्चर है। क्या दिक्कत है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता क्यों नहीं देते हो? पर दिक्कत यह है कि कई बार ऐसा होता है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाती है, लंगूर के हाथ में जो है अंगूर आ जाता है, और कई बार जो है योग्य व्यक्ति को भी वो नहीं मिलता जो वो डिजर्व करता है। चीन बहुत पहले संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता लेके बैठ गया। भारत योग्य है, मिलना चाहिए, पर नहीं मिल रही। ठीक है, आप सोचिए,
ब्रिटेन भारत से बहुत छोटा देश है, हर मामले में छोटा है आज की तारीख में। भारत से कम जनसंख्या, भारत से कम सैन्य शक्ति, भारत से जो है अर्थव्यवस्था का विकास उतना तेज नहीं है, सब कुछ है। जबकि ब्रिटेन का इतिहास भी खराब रहा है, ब्रिटेन ने देशों के ऊपर आक्रमण किए हैं, युद्ध लड़े हैं, उनको गुलाम बनाया है, उनका शोषण किया है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर फिर भी हमें नहीं दे रहे। तो ये है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए मिलना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता। ये कुछ तर्क हैं जो भारत के पक्ष में हैं, भारत को मजबूत दावेदार के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। आगे समझ में? तो ये तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी सिद्धांत, निशस्त्रीकरण। पहला विश्व युद्ध सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हथियारों की होड़ मची हुई थी, हर देश अपने आप को दूसरे से शक्तिशाली बनाना चाहता था तो हथियार जमा करना शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध के बाद तय हुआ कि कोई देश हथियार जमा नहीं करेगा, निशस्त्रीकरण होगा, फिर भी नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिर तय हुआ कि कोई देश हथियार जमा नहीं करेगा, निशस्त्रीकरण होगा। आज भी इस नीति के मामले में भेदभाव बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े देशों को खास छूट दे दी जाती है, उनके हथियारों की समाप्ति, उनके हथियारों को नष्ट करने की बात आती है तो सब जो है मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। छोटे छोटे देशों को डराते हैं कि आप परमाणु हथियार मत बनाइए, आपका परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दीजिए, आप CTBT पर, फलाने संधि पर जो है NPT पर हस्ताक्षर कर दीजिए। अमेरिका को दिक्कत है ईरान के परमाणु कार्यक्रम से, उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से, खुद के परमाणु कार्यक्रम से कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास इतने सारे परमाणु हथियार हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा जखीरा तो रूस और अमेरिका के पास में ही है परमाणु हथियारों का, पर अपने हथियारों को खत्म नहीं करेंगे। दूसरे देशों के परमाणु हथियारों को खत्म करना है, दूसरे देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है ताकि कल को दादागिरी कर सके। कल से आप देखेंगे कि वही स्थिति फिर होगी कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और जापान के ऊपर से 2 बम गिरा के अमेरिका ने पूरे युद्ध का फैसला तय कर दिया और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ 2 बम से उसने किसी देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और उस समय सिर्फ अमेरिका एक ऐसा देश था जिसके पास परमाणु हथियार थे, परमाणु बम थे, और किसी के पास नहीं थे। वो यही चाहता है कि आज भी दुनिया में सिर्फ उसी के पास में ये हथियार रहे ताकि कोई देश उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सके और वो हर देश को चमका के, डरा के, धमका के रख सके और अपनी अपने जो है मनमानी कर सके। इज दैट क्लियर? हम इसके खिलाफ हैं। हमने CTBT जैसी, जो आपने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जैसी आपने संधि का नाम सुना होगा, हमने उस परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप तो निशस्त्रीकरण के समर्थन में हैं, आप तो अहिंसा की बात करते हैं, आप युद्ध टालने की बात करते हैं, तो फिर उस संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करते हो? उस संधि पर हस्ताक्षर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंसा के साथ हो गए, कि हमको शांति अच्छी नहीं लग रही, हम युद्ध चाहते हैं। नहीं, हम भेदभाव के खिलाफ, हम डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, कि अगर आपको करना है तो सबके साथ करो ना। हम उस अन्याय के खिलाफ हैं जो सिर्फ छोटे देशों के साथ कर रहे हो, बड़े देशों को उससे तुम पूरा मुक्त कर देते हो, उन बड़े देशों के खिलाफ तुम कोई हर कदम नहीं उठाते। तो इसीलिए भारत, इसका कतई मतलब नहीं है कि हमने शांति की नीति को छोड़ दिया या हम शस्त्रीकरण की तरफ, आज भी निशस्त्रीकरण ही हमारी प्राथमिकता है। देखो अब भारत की विदेश नीति हथियारों की दौड़ के विरोधी रही है, कि ये जो हथियारों की दौड़ है ना, ये हथियारों की दौड़ गलत है। आप हथियारों की दौड़ के चक्कर में हथियार जमा करते जाते हैं और दुनिया को बारूद के ढेर पे बैठा के बैठ गए। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत, अभी जैसे आप देखो कि थोड़े दिन पहले की बात है, रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन को नाटो का समर्थन था, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था और अगर हो गया तो तबाही है, प्रलय है, विनाश और कुछ भी नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के समय किसी के पास भी परमाणु हथियार नहीं थे अमेरिका को छोड़कर, आज सारे बड़े बड़े देशों के पास परमाणु हथियार है।
सोचिए कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए और सारे आपस में लड़ने लगे और अगर परमाणु हथियारों का उपयोग करने लगे तो फिर बचेगा क्या? दुनिया में मानवता ही खत्म हो जाएगी, मानवता का अस्तित्व ही मिट जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसीलिए हम कहते हैं कि सारे के सारे देश अपने हथियारों को ख़त्म करो। आप कल्पना करो कि आप किसी से लड़ रहे हो, उसके हाथ में भी गन है और आपके हाथ में भी गन है। हम चाहते हैं कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि लड़ाई तभी ख़त्म होगी जब तुम अपनी गन फेंक दो। मैं नहीं फेंकूँगा, ये तो गलत बात है। आप अपनी गन फेंक दो और कल से वो अपनी गन से आपको शूट कर दे, तो यही चक्कर है कि हम लोग उसके खिलाफ हैं। हम पारंपरिक और नाभिकीय दोनों प्रकार के हथियारों के खिलाफ हैं। ना तो हम पारंपरिक हथियारों का समर्थन करते हैं जो आमतौर पर पहले भी बंदूकें वगैरह यूज़ होती रही हैं, ना ही हम नाभिकीय हथियारों का, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इनका हम लोग समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य शक्तिशाली समूहों के बीच में तनाव को कम करना या समाप्त करके विश्व शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। जितने हथियार होंगे ना उतना ही तनाव बढ़ेगा और हथियारों के उत्पादन पर होने वाले अनुपयोगी खर्च को रोकना। जितने ज़्यादा, जैसे आज आप देखो भारत दुनिया में सबसे बड़ा जो है हथियार आयात करने वाला देश, हम कितने सारा जो है रक्षा के ऊपर खर्चा करते हैं, हमारा बजट कितना होता है, लाखों करोड़ में जाता है, फिर भी वो हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। क्योंकि 1962 में हम लोग झेल चुके हैं कि किस प्रकार से एक गद्दार मित्र ने हमारे ऊपर जो है आक्रमण करके हमको हराया। हम वापस से वैसा होना नहीं चाहते, इसलिए हथियार रखना हमारी मजबूरी है, सैन्य ताकत बढ़ाना हमारी मजबूरी है। नहीं तो हमारे आसपास पाकिस्तान, चीन जैसे ऐसे दुश्मन हैं, शत्रु हैं, जो 2 मिनट में हमारे देश को घुटनों पर ला सकते हैं। इसीलिए इन लोगों से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए हथियार, हमें इतना सारा पैसा, यही पैसा सोचिए कि अगर हमारे देश के लोगों के विकास में खर्च होगा तो कितना भला होगा। ये इससे आप पूरे देश को जो है शिक्षा दे सकते हैं, पूरे देश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं, महंगाई बहुत कम हो सकती है, सरकार के पास खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा होगा, टैक्स के रेट्स कम हो सकते हैं। कुल मिला के ये सारा पैसा देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। पर करें क्या, हम लोग नहीं खर्च कर सकते, हमको वो करना ज़रूरी है। आप तभी खाओगे ना जब जिंदा रहोगे। अगर किसी व्यक्ति के घर में खाने को कोई कमी नहीं है, सारी सुविधाएं, लेकिन उसके पड़ोसी से उसका विवाद हो जाए और उस व्यक्ति के पास अपने बचाव का कोई हथियार नहीं है तो उसे 2 मिनट में मार के चला जाएगा, तो वो घर में खाने की चीज़ का क्या करोगे आप? जिंदा रहोगे तो सब होगा ना, और जिंदा ही ना रहे तो पहली प्रायोरिटी तो जीवित रहना है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो चाहे हथियार पर खर्चा करना पड़े, सैनिकों पर करना पड़े, बंदूकों पर करना पड़े, गोली बारूद पर करना पड़े, करेंगे। फाइटर प्लेन भी खरीदेंगे, फाइटर जो है एयरक्राफ्ट भी खरीदेंगे, सबमरीन पनडुब्बी भी खरीदेंगे, टैंक भी लेंगे, सब करेंगे। ठीक है, तो ये निशस्त्रीकरण भारत की एक और विदेश नीति का हिस्सा रहा है कि हम निशस्त्रीकरण के जो है समर्थन में रहे और हम लोग संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इसका प्रयास भी करते रहे। ठीक है, चलिए, ये हो गए भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। अब भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य देख लेते हैं, छोटे से, फटाफट, जल्दी से। भारतीय विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं भाई? तो भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य अभी तक आप समझ गए होंगे, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। सबसे पहला उद्देश्य यही है कि हम जो भी नीति अपनाएंगे हमारे हितों के अनुरूप होनी चाहिए, ऐसी कोई नीति नहीं जिससे हमारा कोई नुकसान हो। फिर तीव्र परिवर्तित, तेजी से बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नज़र रखना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके ताकि नीति निर्णयन की स्वायत्तता को बनाए रखना, स्थायी और सुरक्षित वैश्विक मानदंडों की स्थापना की भूमिका निभाना, अहम भूमिका का निर्वहन करना, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग और समर्थन देना। आपको पता है कि भारत आतंकवाद से पीड़ित रहा है, तो हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो पूरी दुनिया में अभियान चल रहा है उसको सहयोग दे, समर्थन दे। तीव्र आर्थिक विकास, वैश्विक निवेश को बढ़ावा, विनिवेश को बढ़ावा देना, उसके लिए अच्छा माहौल, अंतर्राष्ट्रीय माहौल विकसित करना, देश में विज्ञान तकनीकियों को बढ़ावा देना, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को संपन्न करना, बड़े बड़े देशों के साथ समझौते करना, छोटे छोटे देशों के हितों की रक्षा करना, ये सारा भारत की विदेश नीति के उद्देश्य है। ठीक है, तो ये सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे।
अब हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। और आप सभी को बता दूं कि कल से प्रारंभ होने जा रहा है भाई आप लोगों के स्पेशल डिमांड पर। कल से मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास, रामशरण शर्मा फाउंडेशन कोर्स 2024-25 के लिए बच्चों के लिए। तो कल इतिहास हम लोग करेंगे सुबह 12 बजे और शाम को 3 बजे, दिन में 3 बजे आपकी क्लास होगी इकोनॉमिक्स की। तो एक क्लास 12 से 1 होगी और दूसरी 3 से 4 होगी। इकोनॉमिक्स का टाइम 3 से 4 रहेगा, जिसमें मैं आपको 11th क्लास का भारतीय अर्थव्यवस्था का जो इतिहास विकास है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ा हुआ कक्षा 11 की एनसीईआरटी का सेशन कल से शुरू हो जाएगा 3 बजे से। हाँ, YouTube पर दोनों क्लासेस YouTube पर होंगी, 12 से 1 हिस्ट्री और 3 से 4 इकोनॉमिक्स। तो आप लोग पहले हिस्ट्री की क्लास में आइए 12 बजे और फिर 3 बजे आप लोग आइए इकोनॉमिक्स की क्लास पर। पूरी सीरीज़ को अटेंड करना तो आप लोग हिस्ट्री में भी मास्टर हो जाएंगे, 11th की प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, 12वीं की आधुनिक भारत, उसके बाद में विपिन स्पेक्ट्रम पढ़ा के पूरा हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपको 11th का एनसीईआरटी कल से शुरू कर ही रहा हूँ। तो एक बार आप सभी लोग इस सेशन को तो लाइक करिए, जाते जाते इस सेशन को लाइक करने के साथ साथ जो कल से सेशन या सीरीज स्टार्ट होगी उसको शेयर ज़रूर करिएगा। कल पहला ही सेशन है, दोनों ही सीरीज़ को शेयर करिएगा, दोनों ही सीरीज़ को आप लोग जितना प्यार देंगे उतना ही आप देखेंगे कि उससे दूसरों को फ़ायदा होगा, बाकी लोगों तक भी पहुँचेगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे प्राचीन भारत के इतिहास रामशरण शर्मा की उस एनसीईआरटी के साथ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, CKLIV रेफरल कोड यूज़ कीजिए। 50% तक डिस्काउंट अनअकैडमी दे रहा है आपको, यदि 50% तक डिस्काउंट लेना है तो CKLIV रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स को ज्वाइन कीजिए और जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन लेके अपनी तैयारी घर बैठे करिए। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।